दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद का बड़ा बयान, बोले ममता बनर्जी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, राष्ट्रपति शासन में हो बंगाल का चुनाव। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, अब 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। वहीं यूपी में कांग्रेस के सामने आया बड़ा संकट, पार्टी छोड़कर इन पार्टियों में शामिल हो रहे नेता। वहीं मोदी सरकार के किसानों को दो टूक, बोले आंदोलन छोड़ अपनाएं बातचीत का रास्ता। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान, बोले शाहीनबाग गैंग ने टेकओवर किया किसान आंदोलन। वहीं शरद पवार बोले किसानों का आंदोलन लंबा और तेज होने की संभावना। वहीं राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल, गहलोत सरकार से बीटीपी के 2 विधायकों ने वापस लिया समर्थन। वहीं आज से और तेज होगा किसान आंदोलन, ये हाईवे हो सकते हैं जाम। वहीं कांग्रेस का बड़ा आरोप, बोले बिहार में एनडीए सरकार किसानों से कर रही धोखाधड़ी। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। वहीं पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ने पर अशोक गहलोत बोले बीजेपी ने लोगों को बहका कर चुनाव जीत लिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बताई आपबीती, बोले सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो पता नहीं जिंदा होते भी या नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,398 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 97,96,770 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 414 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व सांसद का बड़ा बयान, बोले ममता बनर्जी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं, राष्ट्रपति शासन में हो बंगाल का चुनाव। जी आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हमला अशोभनीय व निंदनीय है। इस घटना से यह साफ है कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के बाद बिहार भाजपा के नेताओं ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद नाराजगी जताई है। बिहार भाजपा के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज होने का भी आरोप लगाया है। वह अगली बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, अब 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। जी आपको बता दें कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद यादव की सजा की अवधि अभी आधी हुई है या नहीं, इसका रिकॉर्ड अभी पूरे तरीके से सत्यापित नहीं हो सका है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। अब 6 सप्ताह बाद सुनवाई फिर से होगी। वह अगली बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस के सामने आया बड़ा संकट, पार्टी छोड़कर इन पार्टियों में शामिल हो रहे बड़े नेता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य के लगभग 60% जिलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन दोनों दलों के हाथों खो दिया है। कांग्रेस से नेताओं के बाहर निकलने का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता जा रहा है, जो राज्य की राजनीति में पैठ बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। पूर्व सांसद अन्नू टंडन सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले महीने सपा में शामिल हो गई थी। वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगभग हर दिन जिलों में पार्टी छोड़ रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के किसानों को दो टूक, बोले आंदोलन छोड़कर अपनाएं बातचीत का रास्ता। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने शुक्रवार को किसानों से दो टूक कहा कि उन्हें आंदोलन छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार को मीडिया से ही पता चला है कि किसानों ने सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों पर भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में 120 पन्नों का प्रस्ताव किसानों के पास भेजा था और अपील की थी कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर दें। इस प्रस्ताव में कानून में कई प्रकार के संशोधन की भी बात की गई है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों के समाधान का सुझाव देने का प्रयास किया है, उन्हें आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान, बोले शाहीनबाग गैंग ने टेकओवर किया किसान आंदोलन। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे शाहीनबाग की पूरी गैंग शामिल हो गई है। दंगे के आरोपियों के पोस्टर मिलने से स्थिति साफ हो जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्री ने यह भी कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है। बातचीत में उन्होंने कई अहम जानकारियां साझा की हैं। वहीं इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है
कि किसान आंदोलन में नक्सलियों की घुसपैठ हो चुकी है, यानी किसानों को भड़काने की जो साजिश हो रही है उसका फायदा असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नक्सल गैंग अब इस किसान आंदोलन के बहाने हिंसा फैला सकते हैं, आने वाले दिनों में हिंसा की आशंका है। इस बीच बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने की साजिश हो रही है। अगली बड़ी खबर, शरद पवार का बड़ा ऐलान, बोले किसानों का आंदोलन लंबा और तेज होने की संभावना। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया तो किसानों का चल रहा मौजूदा प्रदर्शन लंबा और तीव्र हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा पर चल रहा प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। शरद पवार ने सरकार से किसानों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया। उन्होंने संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए ये भी कहा है कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर समय से निर्णय नहीं लिया तो दिल्ली की सीमा पर चल रहा प्रदर्शन अन्य जगहों पर भी फैल सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल, अशोक गहलोत सरकार से बीटीपी के दो विधायकों ने वापस लिया समर्थन। ये आपको बता दें कि पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के सामने एक बार फिर से सियासी संकट खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के दो विधायकों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें कि साल 2020 की शुरुआत में जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नाराजगी जताई थी तब बीटीपी के दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया था। आपको बता दें कि अब दोनों ही विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। वह अगली बड़ी खबर, आज से और तेज हो सकता है किसान आंदोलन, ये हाईवे हो सकते हैं बिल्कुल जाम। जी आपको बता दें कि बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का दायरा आज से और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। किसान अभी तक दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज से किसानों की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा बॉर्डर से भी आ सकती हैं। दरअसल किसान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि किसान आंदोलन का दायरा 12 दिसंबर से बढ़ने जा रहा है। किसानों ने सरकार से बात न बनने के बाद ऐलान किया है कि 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को भी जाम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने देश भर के सभी टोल नाकों को टोल फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए देश भर के सभी टोल प्लाजा 12 दिसंबर को फ्री करने का ऐलान किया है। किसान संगठन इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। देश भर में यदि सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए फ्री रहते हैं तो इससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए यही आर्थिक मोर्चेबंदी का प्लान बनाया। अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोले किसान विरोधी एनडीए सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। जी आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया है कि बिहार में एनडीए सरकार किसानों से धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सहकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में सिर्फ 2922 किसान ही सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेच पाए हैं। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब दूसरे देशों में भी पहुंच गई है। कई देशों ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तानाशाह की तरह चलाना चाहते हैं। वहीं तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए फिर इनकी वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूंजी परस्त इस किसान विरोधी एनडीए सरकार को हम हटाकर ही दम लेंगे। वही बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पिछड़ने पर अशोक गहलोत बोले बीजेपी ने लोगों को बहकाकर जीता चुनाव। ये आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में हार के लिए अशोक गहलोत ने विपक्ष के दुष्प्रचार को जिम्मेदार ठहराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे, हमें बेहतर करना चाहिए था। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से निपटने में जुटी थी, हम संकट की इस घड़ी में लोगों की जान और उनकी आजीविका बचाने में लगे थे। इसी चक्कर में बीजेपी ने वोटरों को गुमराह कर वोट ले लिए और धोखाधड़ी से चुनाव जीत लिया। अगली बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने बताई आप बीती, बोले सुरक्षा कर्मी नहीं होते तो पता नहीं हम जिंदा होते भी या नहीं। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के दौरान घायल हुए बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उस खौफनाक मंजर को बयां करते हुए बताया कि अगर उस वक्त सुरक्षा कर्मी साथ नहीं होते तो पता नहीं हम जिंदा होते भी या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम पर हमले किए जा रहे थे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि
हम अपने देश के अंदर हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हम पर अचानक पत्थरों की बरसात हो गई। इस दौरान अभिषेक बनर्जी के नारे लग रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के दौरान कैलाश विजयवर्गीय को भी चोट आई है, क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे थी इसलिए उन्हें भी चोट आई और काफी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के कांच के शीशे भी टूट गए। अगली बड़ी खबर, यूपी के कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, बोले 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज बिल्कुल मुफ्त में देगी योगी सरकार। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार राज्य के 20 लाख किसानों को सब्जियों के बीज बिल्कुल फ्री में देगी। शाही ने कहा कि पूर्वांचल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बागवानी या फिर सब्जी और फलों की खेती बहुत कारगर हो सकती है। पूर्वांचल में बागवानी के क्षेत्र में सीमित संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण हमारी सरकार 20 लाख किसानों को बिल्कुल मुफ्त में बीज देने जा रही है। अगली बड़ी खबर, 55 साल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर से चलेगी ट्रेन। पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना 17 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिलहटी के बीच रेलमार्ग 55 साल के बाद 17 दिसंबर को एक बार फिर से खोला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। वर्ष 1965 में भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी, लेकिन 17 दिसंबर से पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इसका उद्घाटन करेंगे। यानी 55 साल के बाद 17 दिसंबर को एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून रद्द कर दिए जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों को वापस ले लें, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।